मैं चाहता था कि मेरे बैंक में इतना पैसा हो कि अगर एक साल तक भी पेमेंट ना आए तो भी सबकी तनख्वाह दे सकूं। कंपनी के कुछ लोग मुझे किसी लिफाफे के पीछे लिखते देखते रहते थे, क्योंकि मैं ये जोड़ घटाव करता रहता था कि बैंक में कितना पैसा बचा है। पॉल की इच्छा किसी बड़ी कंपनी को चलाने की नहीं थी, और माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी बनती जा रही थी। बिल को और मुझको आप येन और यांग कह सकते हैं। हम दोनों के जुनून में काफी फर्क था। पॉल पूरी पूरी रात हर समय काम करते करते तंग आ चुके थे। कभी कभी मैं पॉल पर बहुत सख्त हो जाता था। ऐसे भी कई साल थे जब मैं उनका बॉस था और उनसे कहता रहता था और मेहनत करो। दोनों के बीच कहा सुनी होती रहती थी जो दीवार के पार सुनाई देती थी। बिल का अपना मुद्दा होता था और पॉल का अपना नजरिया, और उसके बाद दोनों में बहस। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ ऐसा होता है। हम हाई स्कूल से ही एक दूसरे को जानते थे और इसकी शुरुआत एक परिवार की तरह हुई थी। फिर पता चलता है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। बिल ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक प्रेसिडेंट चुनने का फैसला किया और प्रेसिडेंट ने पॉल के ऑफिस पर ही कब्जा जमा लिया, जिससे बिल और पॉल के बीच थोड़ा फासला आ गया। पॉल अपने कामों में लगे रहते थे और बिल कंपनी को चलाते रहते थे।